हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? जिधर भी देखो दोस्तों, सबको 5G स्मार्टफोन लेना है। जिसका जो भी बजट हो, किसी का 10,000 बजट है या 15,000 बजट है, 20,000, सबको 5G स्मार्टफोन चाहिए। क्योंकि 5G स्मार्टफोन के बात करो तो भविष्य काफी उज्जवल है। तो दोस्तों 10,000 में तो काफी 2-3 स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। उसको ऊपर वीडियो वगैरह बना रखा, नहीं देखा तो लिंक दे दूंगा, जाके देख लेते हैं। काफी स्मार्टफोन सही है जो भी आता है। 15,000 में भी काफी अच्छे से स्मार्टफोन मिल जाएगा, थोड़े ज्यादा अच्छे बैंड वगैरह के साथ आएगा। लेकिन असली जो स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन होता है दोस्तों, ज्यादातर बैंड सपोर्ट करते हो 20,000 के अंदर अंदर के प्राइसिंग के आसपास मिलेगा। तो मैं लेके आ चुका हूँ दोस्तों अंडर 20 के बेस्ट 5G स्मार्टफोन की वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसमें मैंने 5-6 फोन सेलेक्ट वगैरह किए जो काफी सही परफॉर्मेंस वगैरह लेके आता है। तो इन्हीं के फीचर्स वगैरह बताऊंगा और हाईली रेकमेंड करूंगा 1 या 2 फोन जो आपको परचेज वगैरह करना चाहिए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो फटाफट वीडियो का लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार मत कीजिए, फटाफट कर लीजिए। दोबारा मौका नहीं मिलेगा उसके बोला बेल आइकन को उसे अवेलेबल कर दीजिए, ताकि ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ, आपकी जरूरत की वीडियो लाते रहता हूँ, उसे अपने फोन पे सबसे पहले जल्दी जल्दी देख पाए। तो चले फिर दोस्तों, देर न करते हुए सबसे पहले दोस्तों स्मार्टफोन के बारे में, तो मोटोरोला के ब्रांडिंग के साथ आता है मोटो G82 इसके लिए। इसमें सबसे पहले इसकी प्राइसिंग की बात करो, 19 से 20,000 के आसपास मिल जाएगा। 8GB 128GB का वेरियंट वगैरह मिलता है जो काफी सही होता है, इसके लिए 8GB सही होता है अपने आप में। प्रोसेसर की बात करो, स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर है जो 2.2 GHz पे चलता है। तो ये प्रोसेसर वगैरह भी सही है, चीज़ें वगैरह सही है, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस वगैरह करता है। कैमरे की बात करो दोस्तों, तो ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल जाएगा, 50 MP, 8 MP, 2 MP, लेकिन यहाँ पे आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है। तो कैमरे की जो होती है काफ़ी अच्छी क्वालिटी वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। OIS से क्या होता है दोस्तों, वीडियो वगैरह जो होता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ जाती है, फोटो की जो क्वालिटी होती है काफ़ी सही हो जाती है। स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा 16 MP का मिलेगा जो सही अपने प्राइसिंग में ठीक ठाक लेके आता है। 10 bit का कलर डिस्प्ले मिल जाएगा, PoLED डिस्प्ले मिल जाएगा 6.6 इंच का। तो यहाँ भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल चीज़ होने वाला है। 5000 mAh की बैटरी मिलेगा, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग वगैरह सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ दोस्तों, सब कुछ प्रोसेसर वगैरह A to Z चीज़ें वगैरह बात करूँ तो ये जो फ़ोन है काफ़ी सही है। इसके लिए आप काफ़ी अच्छे से जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा फोन है, परचेज वगैरह कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगले स्मार्टफोन की बात करो तो अगला स्मार्टफोन है दोस्तों रियलमी की ब्रांडिंग के साथ आने वाला Realme 10 Pro 5G। इसमें सबसे पहले इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 1819,000 के आसपास मिल जाएगा आपको। इसमें 6128GB का वेरियंट मिलेगा। प्रोसेसर की बात करूँ तो प्रोसेसर आपको 695 का प्रोसेसर मिल जाएगा, सेम मिलेगा जो मोटोरोला मिलता है, 2.2 GHz का प्रोसेसर है। कैमरे की बात करूँ, रियर कैमरे की बात करूँ तो 108 MP का मेन कैमरा मिलेगा और 2 MP का डेप्थ रियर वाइड एंगल के लिए कैमरा मिल जाएगा। फेसिंग कैमरे की बात करूँ तो 16 MP का मिलेगा जो आप उससे कुछ अच्छी सेल्फी वगैरह ले पाएंगे। डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.72 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट वगैरह मिल जाएगा, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 5000 mAh की बैटरी है। तो फीचर जो है काफ़ी सेम सिमलेस वगैरह दोनों का है। कैमरे में काफ़ी मेजर चेंजेस है, नहीं तो ज़्यादातर फीचर्स आपको सेम सा देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइसिंग में लगभग आसपास के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी काफ़ी सही फोन दोस्तों। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। अगले फोन की बात करो तो सैमसंग की ब्रांड के साथ आता है सैमसंग A14 5G, इसके लिए A14 5G है। इसकी प्राइसिंग की बात करो तो ये 18,000 के आसपास प्राइसिंग है। इसमें आपको 128 और 8GB का वेरियंट मिल जाएगा, 8GB का रैम वगैरह मिल जाएगा। इसमें आपको एक्सपेंड रैम का भी ऑप्शन मिल जाता है जो अदर फोन में आता है इसके लिए इस टाइम पे। इसमें आपको प्रोसेसर की बात करूँ तो सैमसंग का एग्जिनोस का प्रोसेसर मिल जाएगा जो 1330 प्रोसेसर है, 2 GHz का प्रोसेसर है। तो इसका जो प्रोसेसर है थोड़ा डाउन है प्रोसेसर, इसमें अच्छी हो सकती थी, लेकिन सैमसंग का फोन है तो प्रोसेसर थोड़ा बहुत आपको डाउन ही देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको कैमरे की बात करूँ तो 2 MP का कैमरा मिल जाता है और 50 MP का कैमरा मिल जाता है और 16 MP का फेसिंग कैमरा मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। तो ये चीज़ें लगभग सेम सी देखने के लिए मिल जाती है। 6.6 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, ये सैमसंग से उम्मीद नहीं किया जाता, सुपर एमोलेड तो सैमसंग को देना ही चाहिए। अब उसके बाद बात करो दोस्तों बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग वगैरह मिल जाएगा। तो सैमसंग के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सही है, इसके लिए ऐसा ही चीज़ें सैमसंग देखने के लिए मिलता है सैमसंग के फ़ोन में, लेकिन पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फ़ोन नहीं है। इसमें इस प्राइस में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे और स्मार्टफोन मिल जाएगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। अब अगले फोन की बात करूँ तो अगला फोन है दोस्तों OnePlus की ब्रांडिंग के साथ आता है OnePlus Nord CE 3 Lite 5G है, जिसके लिए काफ़ी लंबा नेम है। इसकी सबसे पहले प्राइसिंग की बात करूँ तो 19,500 के आसपास प्राइसिंग है। इसमें आपको 128GB नहीं मिलता, 256GB का वेरियंट मिलता है और 8GB का वेरियंट मिलता है। तो जो एक्सपेंडेबल स्टोरेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, मैसिव स्टोरेज इस प्राइस में देखने के लिए मिल जाएगा जो कोई भी स्मार्टफोन कोई भी ब्रांड नहीं देता। इसमें आपको प्रोसेसर की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन का 695 सेम प्रोसेसर मिल जाएगा,
2.2 GHz का प्रोसेसर है, 108 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने मिल जाएगा, 2 2 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलेगा। इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको आईपीएस पैनल देखने के लिए मिलेगा, 6.72 इंच का आईपीएस डिस्प्ले पैनल मिलेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, तो ये चीज़ें सही है। यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगा और वॉट चार्जिंग की बात करूँ तो 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिलेगा, जो वन प्लस का फोन में ज़्यादातर देखने के लिए मिल जाता हो। तो ये भी फोन परफॉर्मेंस हर लिहाज से देखा जाए तो काफी पावरफुल होने वाला है, काफी सही फोन है। नहीं अब अगला और लास्ट स्मार्टफोन की बात करूँ दोस्तों, अगला फोन एम आई की ब्रांडिंग के साथ आता है, रेडमी नोट 12 5G है, जिसकी प्राइसिंग की बात करूँ सबसे पहले 21,000 के आसपास प्राइसिंग में 20,000 से थोड़ा ऊपर चला जाता है। इससे आपको सबसे पहले रैम की बात करूँ तो 8 GB मिल जाएगा देखने के लिए, स्टोरेज की बात करूँ 256 GB रोम देखने के लिए मिल जाएगा, जो काफ़ी सही है, काफ़ी मैसिव स्टोरेज वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको प्रोसेसर की बात करूँ तो कोलकम का Snapdragon 4 Gen 1 प्रोसेसर मिल जाएगा, जिसका एंटीटू स्कोर की बात करूँ तो 390 के आसपास मिल जाएगा, तो Snapdragon 695 के आसपास ही प्रोसेसर के परफॉर्मेंस वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। जिसमें आपको कैमरे की बात करूँ तो रियर ट्रिपल कैमरा दिया गया, जिसमें 48 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, तो कैमरा काफी एवरेज देखने के लिए इसमें मिल जाएगा। ईयर फेसिंग कैमरे की बात करूँ तो 13 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसमें भी थोड़ा करे हुए जो कैमरे के दोस्तों इसकी बात करूँ तो कैमरे एवरेज परफॉर्मेंस मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा बेसिकली 48 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है। डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले काफी सही है, इसमें 6.67 इंच की IPS LCD डिस्प्ले नहीं है, इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट काफ़ी सही है। जिसमें आपको बैटरी की बात करो 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगा, 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग वगैरह मिल जाएगा। तो इसमें दोस्तों कैमरा को छोड़ के और चीज़ें सही है, कैमरा को छोड़ के एक चीज़ बात तो प्रोसेसर वगैरह सही है, स्टोरेज वगैरह भी काफ़ी सही से देखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे मिल जाएगा। मैं तेरे बाप को मत सिखा चल। चलिए फिर दोस्तों, जो भी 5-6 स्मार्टफोन के थे सारे फीचर्स वगैरह सबको बता दिए, कौन कौन से में क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलता है। इसमें आपको दोस्तों मैंने किसी में 5G बैंड नहीं बताया, 5G बैंड की बात करूँ तो 10 से 12 बैंड सब में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो जो जो मेन बैंड होता है वो सारे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो 5G की परफॉर्मेंस वगैरह होने वाली है तो काफ़ी सही होने वाली है। तो मैं बात करूँ दोस्तों, मैं जो रेकमेंड करने वाला हूँ आपको स्मार्टफोन, उसमें सबसे पहले रेकमेंड करूँगा मोटोरोला का G82 के लिए रेकमेंड करूंगा 5G स्मार्टफोन है, जिसके प्रोसेसर की बात करूँ तो प्रोसेसर तो लगभग सब में आपको एक जैसा ही मिल जाएगा, इसका डिस्प्ले वगैरह कैमरा वगैरह काफ़ी सही है, मैंने खुद परचेज किया, इसका फुल वीडियो बना चुका हूँ, रिव्यू वीडियो बना चुका हूँ, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाकर फुल वॉच कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे जो रेकमेंड करूँगा दोस्तों, वन प्लस का रेकमेंड वगैरह करूँगा, वन प्लस काफ़ी सही है, उसके बाद रेडमी का करूँगा, और बाकी दो दो तीन फोन है जो साथ काफ़ी अपने आप में वैसे ही सारे लगभग फीचर्स लेके आते हैं, और ये दो तीन फोन आप परचेज वगैरह कर सकते हैं, काफ़ी इनके जो परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी सही है। लेकिन जो मेन रेकमेंड किया मैंने मोटोरोला का रेकमेंड वगैरह किया है, जो इसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए भी दोस्तों, आज के लिए इतना, तो उम्मीद करते हो वीडियो अच्छी लगी और डिटेल वगैरह अगर समझा पाया हूँ दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह कर दूंगा। तो चलिए भी दोस्तों, आज के लिए इतना, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।